Which agency or which ministry releases this report? So recently the Ministry of Finance, Ministry of Finance, and another Ministry of Finance, the Department of Economic Affairs, and the unit is External Debt management. In Hon released A report that talks about the status of India's external debt for the financial year ending two thousand and twenty two. 2022 में कितना एक्सटर्नल डेट था उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय द यूनिट एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अब ये जो रिपोर्ट है ट्वेंटी मतलब दिस इज द रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में बेसिकली टॉक हैपनिंग इन व्हाट इज द ट्रेंड वेदर वी आर Uh, we are getting more of debt or it is decreasing in nature and the classification of the debt as well as debt services payments Now move on to the next slide ki taraf, and talking about the key highlights first and foremost what was the amount of external debt taken by India so it was around 620 billion dollars and actually over the years This debt has increased and has grown by around 8.2%. टू ठीक है 8.2% परसेंट से इंक्रीज हुई है हमारे एक्सटर्नल डेट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर. और वो इंक्रीज होके अब 6.20 बिलियन डॉलर्स के आसपास है इफ यू टॉक अबाउट द देशन तो आप बाइफोकेशन में देख सकते हो दैट द लॉन्ग टर्म डेट इज अराउंड 500 हंड्रेड मिलियंस फाइव बिलियंस शॉर्ट टर्म डेट इज अरा डायग्राम वही चीज शो कर रही है लॉन्ग टर्म डेट इज अराउंड एटी परसेंट फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इट इज एटी परसेंट एंड द शॉर्ट टर्म डेट इज अराउंड ट्वेंटी परसेंट ठीक है एटी ट्वेंटी का रेशियो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट के बारे में Now I will talk about short term debt, short term debt is very important because it is the volatile part of the uh, capital flows that is coming into India, we will talk about this in the later slides. Hai? Let's move on and understand what are the different classification of external debts. This report has basically made a list of classification based on the sector, the creditors, डेटर्स इंस्ट्रूमेंट्स मिच्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन एंड कंसेशनल वाइज क्लासिफिकेशन कंसेशनल आपको पता है कुछ लोन्स जो हमारे होंगे वो कंसेशनल बेस्ड होंगे कुछ नॉन कंसेशनल होंगे तो ऐसे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है लेट्स लुक एट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन ठीक है फर्स्ट टॉक्स अबाउट सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन अब सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन में क्या होता है दे हैव बेसिकली क्लासिफाइड इंटू टू डेट टेकिंग फ्रॉम सर्टन इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेश अगर उनसे आप कोई लोन ले रहे हो उसको हम बोलेंगे सॉवरन डेट वॉट डज इट इंक्लूड्स इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहे वो बायलैटरल हो या फिर मल्टीलैटरल हो मल्टीलैटरल चार पांच कंट्रीज एक साथ आके आपको डेट दे रही हैं ठीक है थीके? उसके अलावा हो गया एनी इन्वेस्टमेंट दैट इज डन बाई दी दैट इज डन बाई दी आई इन दवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट की टी बिल्स में एस डी आर अलोकेशन डन बाई दई बार क्या करता है डिपेंडिंग अपॉन दोटिंग राइट एलोकेशन जो होती है एस डी आर की वो इंक्रीज कर रहा होता है राइट सो इफ यू आर गेटिंग एनी एडिशनल एलोकेशन ऑफ एस डी आर फॉर योर कंट्रीन दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सॉवरन डेट नॉन सॉवरन में क्या आएगा जो बच गए वो सारे आपके नॉन सॉवरन में आ जाएंगे न लुक एट दिस स्टेबल ये जो फिगर है इंडियाली शोज देशन बिटवीन द सॉवरन एंड द नॉन सॉवरन डेट अगर हम सॉब एक्सटर्नल डेट की बात करें देन इट इज एक्चुअली करेंड सो डेट ये हमारा ब्लू वाला डेट है येलो वन टॉक्स अबाउट नॉन डेट ठीक है तो ये आप देखोगे कि ये मार्जिनली इंक्रीज हो रहा है हमारा जो सॉब एक्सटर्नल डेट है एंड इट इज अराउंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टर्म्स वन थर्टी बिलियन डॉलर ठीक है और क्यों इंक्रीज हुआ ये इट हैज इंक्रीज टू अराउंड सेवनटीन परसेंट just for the basic reason that SDR ki jo allocation by imf ke dwara, it has been increased for india so imf has increased the allocation of sdr for india and that is the reason why our sovereign external debt has increased by 17% now if we talk about the non-sovereign external debt that is the yellow part

your your bills your commercial bills then your nri deposits koi bhi non resident indian aapki uh, aapki indian rupee mein agar india ke kisi bank mein deposit kar rahe hain that is also a kind of debt because you are actually using their money for your purposes right so ye bhi ek tarike ka debt ho gaya इसके अलावा short-term trade credit suppose आपने कुछ import किया उसके लिए आपने credit ले ली कि मैं आपको छः महीने बाद छह महीने बाद या आठ महीने बाद या नौ महीने बाद, बाद आपको पेमेंट करूंगा सो ऑल ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट योर नॉन डेट अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट बाय द नेम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है फॉर ट्रेड पर्पसेस सपोज बैटरी हमें लेनी है इंपोर्ट करनी है वी हैव टेकन द बैटरी बट द पेमेंट विल बी डन आफ्टर थ्री मंथ्स दिस विल कॉन्स्टिट्यूट योर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नाउ लेट्स लुक अपॉन द द अदर क्लासिफिकेशन अदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन क्रेडिटर वाइज क्लासिफिकेशन ठीक है अब इसको आप देखोगे इट कंसिस्ट ऑफ यल्टीलैटरल एजेंसी कौन कौन हमें क्रेडिट दे रहा है विच ऑल एजेंसी और इंस्टीट्यूशन आर गिविंग क्रेडिट टू इंडिया मल्टीलैटरल एजेंसी कैन हैव दायोलैटरल एजेंसीज आई एम एफ है ट्रेड क्रेडिटर्स कमर्शियल लैंडर्स एनआरआई डिपॉजिट्स शॉर्ट टर्म डेट एंड ट्रेड रिलेटेड क्रेडिट्स तो so, ये सारे क्लासिफिकेशन के पार्ट हैं क्रेडिटर वाइज क्लासिफिकेशन के एंड द हाईएस्ट एस यू कैन सी इज द कमर्शियल लेंडर्स दोज हु आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कमर्शियल

The RBI, as well as the governor, requested you can see, you requested the, NRI, the NRIs to, deposits, to deposit money in rupee-denominated accounts, so that it can help India survive or finance itself. Okay? So Agarhang net. अगर हमारे पास पैसे नहीं अगर एफ पी have आर नॉट कम बिलीव ऑन NRI आर आई will सपोर्ट द इकोनॉमी द मनी इन एन आर आई deposit accounts. ठीक है तो ये सेकेंड मेजर पोर्शन है अगर आप बात करें एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड ट्वेंटी टू परसेंट उसके बाद आपके शॉर्ट टर्म डेथ आ जाते हैं एंड फाइनली रेस्ट आ जाते हैं ऐसे ठीक है थर्ड वन करेंसी वाइज क्लासिफिकेशन अब देखो जो हमारे पास डेट आ रही जो हम लोन ले रहे हैं इट कम्स इन सर्टेन फॉर्म ऑफ करेंसी इट कैन बी इन योर ओन रुपी टर्म आपको रुपी टर्म में ही आपको लोन मिल रहा है या फिर आप किसी इंटरनेशनल करेंसी में बेसिकली डॉलर्स में हो गया जैपनीज येन में हो गया यूरो में हो गया पाउंड्स में हो गए ठीक if we talk about currency wise classification then you can see that for the year ending march 2022 it is the us dollar us dollar ka sign ye hai right it is the us dollar that has 53% more than 50% of the external debt that we are receiving is in terms of us dollars the second is the indian rupee इंडियन रुपया आपको दिख रहा होगा अराउंड अराउंडीट है लार्जेस्ट अगर हम करेंसी वाइज देखें ऑफ द टोटल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ रुपी अब रुपी में हमारे पास कैसे आ रहा है दोज नॉन रेसिडेंट्स हु द मनी इन एक्सटर्नल डिपोजिट अकाउंट ले लो ठीक है नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट अकाउंट हो गया नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी डिपॉजिट अकाउंट या फिर टर्म डिपोजिट अकाउंट हो गए या फिर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कर लिया ऑल ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट योर रुपी डिनिनेटेड डेट नेक्स्ट नेक्स्ट इज इफ यू कैन सी इज दो देर इज अस्टेक हि इट इज देंट इंस्ट्रूमेंट वाइज इफ यू सी या इंस्ट्रूमेंट वाइज सॉरी इंस्ट्रूमेंट वाइज क्लासिफिकेशन और इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो डेट हम ले रहे हैं क्या हम बॉन्ड्स के थ्रू ले रहे हैं या फिर एस के फॉर्म में है या फिर ये लोन्स हैं ट्रेड क्रेडिट से क्या है तो इफ यू सी द मेजोरिटी पार्ट इज ऑफ लोन्स जो हमारे पास डेट है अराउंड थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन हमने एक तरीके का लोन लिया है बीट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फॉर्म में है देन सेकेंड इज द ट्रेड क्रेडिट्स आपने इंपोर्ट कर लिया पेमेंट आपने डिले कर दियाड वो हो गया सॉरी सेकेंड इज द डिपॉजिट्स बाई द एनआर आईज ठीक है फर्स्ट इज द लोन फर्स्ट इज लोन सेकेंड इज डिपॉजिट थर्ड इज ट्रेड क्रेडिट ठीक है तो ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज क्लासिफिकेशन के

रेशियोज और थ्री इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स द फर्स्ट इज द एक्सटर्नल डेट टू जी डी पी रेशियो आपकी जो टोटल जी डी पी है जो टोटल इनकम आपके पास है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो टोटल प्रोडक्शन दैट इज बीइंग डन इन योर इकोनॉमी उसका कितना परसेंटेज आप एक्सटर्नल डेट के फॉर्म में ले रहे हो राइट एज यू ऑल नो जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर एंड सपोज यू आर टेकिंग एटी परसेंट और हंड्रेड परसेंट Of external debt in order to produce or make production in your country, then there is no point, right? There should be a benefit. If you are taking a loan, then you should, if your input is X amount, then your output should be more than X, right? Then only there is a point of taking something. The second is short term debt as a ratio to total external debt. तो तुम्हारा जो जितना भी डेट है उसका शॉर्ट टर्म डेट कितने हैं ना वाई आर यू स्टडिंग दिस इज बिकॉज जितना शॉर्ट टर्म डेट कम होगा उतना ही बढ़िया है बिकॉज शॉर्ट टर्म डेट्स आर वेरी वेरी वर्नरेबल वर्लनरेबल इन द सेंस कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकते हैं उसमें बिकॉज दे आर नॉट अ स्टेबल फॉर्म राइट तीन महीने के लिए हो सकते हैं दो महीने के लिए हो सकते हैं अगर एफ बी आई बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन एनी टाइम टेक आउट दैट मनी And you will have to make the repayment debt servicing waha pe because you will have to make the principal as well as the interest payment. And third is the foreign currency reserves as a ratio to external debt. What is the buffer? What is the amount of foreign currency that you are having? So that in case if you need to make if you need to make the payment, then you have sufficient buffer, sufficient reserve in order to cover up your external debt now let's study this one by one yes so the first is external debt as a ratio of gdp if you see the picture then for the year 2022 it is around 19.9 pehle 2021 make 21% means the that means the external debt as a ratio to GDP has actually decreased, and this is a very good news because our debt is Right? We are not much dependent on the foreigners or on the non-residents in order to make production or in order, to do, in order to finance anything in your country. this is a very good news. It has marginally fell to 19.9% .9 as you can see in this figure. Next. नेक्स्ट फिगर टॉक्स अबाउट शॉर्ट टर्म डेट एसियो टू टोटल एक्सटर्नल डेट जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म बहुत ही बोलाटाइल नेचर में होते हैं एज इट कंसिस्ट ऑफ फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स ठीक है कमर्शल कमर्शल पेपर्स वगैरह में या सेंट्रल बैंक जो होते हैं फॉरन सेंट्रल बैंक who are making investment in your in your treasury bills all of these constitute the volatile part of the capital flows and we always try and try to keep these uh, very less in number but if you see the picture then this our short term external debt has actually increased right from 17.6 to 19.6 next नेक्स्ट इज द फॉरन करेंसी रिजर्व एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एक तरीके का बफर क्रिएट करता है जो कवर करेगा आपके एक्सटर्नल डेट को एंड इफ यू सी दिक्चर ये आपको दिख रहा होगा नाउ दिस इज सैडनिंग फॉर इंडिया बिकॉज फॉरन करेंसी रिजर्व शुड बी मोर बट एज यू ऑल नो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डिस्ट्रक्शन एंड बिकॉज ऑफ द वॉलटाइलिटी एंड स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनोमी द अमाउंट ऑफ

सो दिस वन क्वेश्चन इज फॉर यू आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है सो टू डेज सेशन वॉज एंटायरली फैक्चुअल कुछ डेटा थे कुछ पर्सेंटेजेस थी कुछ डायग्राम्स थे जिनको आपको समझना था एंड पॉसिबली फॉर द एग्जाम यू नीड टू रिमेंबर दोज फिगर्स बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेज वन में सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू एंड यू नीड टू आंसर इट सो दे आर थ्री स्टेटमेंट एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट The first statement says as of March 2022 India's external debt has increased by 8.2 percent as compared to the last year. The second statement says external debt as a ratio to GDP has increased. I I have already discussed with you now you need to tell me whether the external debt to GDP has either increased or decreased and the third foreign currency reserves as a ratio to external debt has increased for the financial year 2022 you need to identify the incorrect statements and write it down in the comment section so this was all for today i hope you like the session till then take care and bye bye